नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है अनियन चीज़ पराठा। पराठे हम कई तरीके से खाते हैं, प्याज का पराठा, आलू का पराठा, पर आज मैं बहुत ही बच्चों का पसंदीदा चीज़ पराठा बना रही हूँ और उसमें मैं कुछ थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ जिससे और भी टेस्टी हो जाएगा। तो जिसके लिए मैंने मैदा ना लेकर के गेहूं का आटा लिया हुआ है, जिसे छान करके उसमें थोड़ा सा नमक और एक चम्मच ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो। और आटा गूंद लिया, जिस तरह रोटी पराठे के लिए नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। और एक बाउल मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और एक प्याज मैंने एकदम बारीक काटा हुआ है स्वाद अनुसार। वैसे तो चीज़ में सॉल्ट होता ही है, पर मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूँगी, तो स्वाद अनुसार थोड़ा सा डालूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने ऑरेगानो लिया हुआ है, लगभग एक छोटा चम्मच है। और मैंने काली मिर्च कूटी हुई है, लगभग 10 से 12 काली मिर्च को बारीक कूट लिया है। आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और पराठे बनाने के लिए आप बटर, घी भी ले सकते हो। मैंने ये ऑलिव ऑयल लिया हुआ है, या रिफाइंड ऑयल में भी आप पराठे बना सकते हो। तो शुरू करते हैं अनियन चीज़ पराठा बनाना। तो सबसे पहले हम प्याज और चीज़ को मिक्स करेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, काली मिर्ची और ऑरेगानो डालेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं ये चीज़ डाल दूंगी जिसे मैंने कद्दूकस किया हुआ है। मैंने ये अमूल चीज़ लिया हुआ है, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, मोज़रेला चीज़ ले सकते हो जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। और इसी में मैं ये प्याज डाल दूंगी, एकदम बारीक काटा हुआ है मैंने। और इसमें मैं सॉल्ट तो चीज़ में होता ही है, थोड़ा सा प्याज में टेस्ट आ जाए इसलिए थोड़ा सा डालूंगी। और ऑरेगानो डाल दूंगी, इससे और भी टेस्ट आएगा, पिज़्ज़ा की तरह टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालूंगी, चाहे तो आप एकदम बारीक काट के इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो। और अच्छे से मिक्स कर दूंगी अब इसे। आप इसे पिज़्ज़ा भी कह सकते हो, एक तरह का स्टफ पिज़्ज़ा हो गया हमारा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो हम पराठा बनाएंगे। तो शुरू करते हैं अनियन चीज़ पराठा बनाना। हमारी स्टफिंग भी तैयार है और गूंदा हुआ आटा है। और ये जिस तरह हम पराठा रोटी बेलने के लिए आटा लेते हैं, मैंने ये गेहूं का आटा ले लिया है। तो अब हम थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे, क्योंकि हम इसमें चीज़ डाल रहे हैं तो जैसे ये सिकेगा तवे पे, तो चीज़ कहीं से अगर हम पतला रोटी बेलते हैं तो बाहर ना आ जाए, इसलिए हल्की सी मोटी लेंगे। तब थोड़ा सा बड़ा लोई लें, देखिए इस तरह। आप छोटे या बड़े अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। तो मिनी पिज़्ज़ा दिखेंगे, वो स्टफ मिनी पिज़्ज़ा जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मैंने इसमें आटा लगा लिया है और थोड़ा सा बेलूंगी, या आप हाथ से ही इस तरह से कटोरी की तरह बना करके अब मैं इसमें स्टफिंग ये डालूंगी चीज़ अनियन की। और अच्छे से दबा लेंगे, सभी तरफ से अच्छे से बंद करेंगे दबा करके। अच्छे से घुमा लेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि बंद हो जाए अच्छे से ताकि चीज़ बाहर ना आ जाए। ये देखिए दबा दिया मैंने। अब मैं इसमें आटा लगा लूंगी और हल्के हाथ से पराठे को, चीज़ पराठे को बेल लेंगे। ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है, अब हल्के हाथ से चीज़ पराठा को बेल लेंगे और इसे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे।
ये देखिए मैं इतना ही रख रही हूँ इसे, और हल्का सा ही आप देख सकते हो कि मोटा ही रखा है मैंने। और यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है और गैस की आँच एकदम कम रखी हुई है अभी। तो हल्का सा मैं ऑयल लगा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ इसमें। और अब ये चीज़ पराठा जो मैंने बेला हुआ है उसको मैं डाल दूँगी सेकने के लिए, और मीडियम आंच पे ही सेकेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे, क्योंकि हमने इसमें चीज़ स्टफ़ किया है तो वो भी मेल्ट होगा, तभी उसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। तो धीमी आंच पे सेकेंगे, चाहे तो आप इसे ढककर भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं धीमी आंच पे इसे सेक रही हूँ। एक साइड से सेकने के बाद इसे पलट के दूसरी साइड से सेकूँगी, तब तक के दूसरा पराठा बेल लेते हैं। एक लोई ले लिए, आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े बना सकते हो। आटा लगा लूँगी और हाथ से ही थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से गोल कर लूँगी, ताकि स्टफिंग अच्छे से भर सकूँ इसमें। अब ये पनीर और चीज़ और प्याज की स्टफिंग इसमें डाल देती हूँ, और अच्छे से दबा देती हूँ ताकि स्टफिंग ये बाहर ना आए जब हम पराठा सेके। तो ये देखिए अच्छे से दबा के घुमा लिया मैंने। अगर आप इस तरह से नहीं बेल पाते हो तो नॉर्मल दो, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं, दो एक साइज की बना लीजिए, स्टफिंग फैला दीजिए और अच्छे से दबा करके उंगलियों से उस तरह से अभी आप बना सकते हो आसानी से। ये देखिए मैंने दबा दी अच्छे से, और अब मैं इसमें आटा लगा दूंगी और इसे बिल्कुल ठीक वैसे ही हल्के हाथों से बेल लूंगी, और हल्का सा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया है, और ये हमारा पराठा देखिए कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इसे पलटती हूँ। और ये देखिए अभी फूलने भी लगा है, तो मैं इसे पलट देती हूँ। बहुत ही अच्छा कलर आया है, दूसरे साइड से भी सिकने देते हैं, उसके बाद में हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए पराठा हमारा आप देख सकते हो कि फूल रहा है, अच्छे से सिक रहा है, तो अब मैं इसमें इस साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ हल्का सा। आप ऑयल, घी, बटर जो आपको पसंद है लगा सकते हो। और अब मैं इसे पलट देती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छे से सिक चुका है ये, और बिल्कुल धीमी आंच पे सेका है, धीमी से मीडियम आंच पे सेके ताकि आराम से सिक जाए, क्योंकि थोड़ा सा मोटा ही बनाया है पराठा और उसमें चीज़ जो है वो मेल्ट हो तभी इसमें मज़ा आएगा खाने में पराठे को। ये देखिए ऑयल लगा लिया, और बढ़िया सिक रहा है, ये देखिए फूल रहा है। दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक जाए, ये बहुत ही अच्छा कलर आया है। इस साइड से और अच्छे से सिक जाए, मैं पलट देती हूँ इसे। ये देखिए हमारा पराठा दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक चुका है, ये देख सकते हो आप, कलर बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए दोनों ही तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और मैंने ये प्लेट ली है, इसके ऊपर एक और कटोरी रखी ताकि नीचे, अगर हम पराठा ऐसे प्लेट पर रखेंगे तो नीचे से नरम हो जाता, उसमें स्टीम आ जाती, तो एक प्लेट के ऊपर रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है हमारा चीज़ अनियन पराठा। तो मैंने जो बेला हुआ पराठा वो डाल देती हूँ, बिल्कुल ठीक वैसे ही इसको सेक लेते हैं। इसी तरह मैं और पराठे बना लेती हूँ। ये देखिए सभी मैंने अनियन चीज़ पराठा बना लिया है, अब मैं इसको काट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने एक बोर्ड पे इसको रख लिया है, और ये पिज़्ज़ा कटर से मैं इसे कट करती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें ये चीज़ दिख रही है, ये देखिए मेल्ट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह मैं इसे चार टुकड़ों में कट करूंगी, फिर इसके बाद इसे सर्व करती हूँ।
ये देखिए कितने बढ़िया दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी गर्म है अभी। ये देखिए चीज़ कितनी अच्छे से मेल्ट हुई है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इसे सर्व करती हूँ। गर्मा गर्म चीज़ अनियन पराठा तैयार है खाने के लिए। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये। और ये देखिए मैंने इसे खोल करके रखा है, तो इसमें चीज़ कितनी अच्छे से दिखाई दे रही है, अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को तो खासकर बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इसे नाश्ते में ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि अनियन चीज़ पराठा आपको कैसा लगा। और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।